प्यार करना तो आसान है, लेकिन प्यार को निभाना बड़ा मुश्किल है। और इस बात का अंदाजा आज साहिल वेदिका को जरूर हो रहा है। तभी तो जब साहिल के पापा ने वेदिका को धक्का दिया तो साहिल वेदिका के सपोर्ट में आ खड़े हुए। और इस बात से गुस्सा होकर जब साहिल के पापा ने साहिल पर हाथ उठाया तो वेदिका साहिल की बन गई ढाल। यानी साहिल और वेदिका दोनों ही एक दूसरे के लिए हर मुश्किल से गुजरने को तैयार हैं। और इस मौके पर मजबूरी भी साहिल वेदिका का कड़े से कड़ा इम्तिहान ले रही है। खैर, साहिल के घर वाले जब वेदिका को घर पर रखने के लिए तैयार नहीं हुए तो साहिल ने भी वेदिका के साथ घर छोड़ने का फैसला ले लिया। वेदिका बीइंग द नाइस वन, वो तो डिवोर्सी है तो, और साहिल उसे इतना प्यार करता है तो उस वो भी साहिल भी दुखी होकर ही जा रहा है ना यहाँ से, तो शी विल मेक इट अ पॉइंट कि वो वापस आ रहे हैं। कोई भगवान ना करे, अल्लाह ना करे कि किसी का बेटा किसी की माँ को छोड़ के जाए, और वो भी बहू की खातिर, या मतलब ऐसा होता है, लेकिन बहुत बुरा लगता होगा उन सब माओं को, मुझे लग रहा है। जब हम किसी एक ओहदे पर पहुँच जाते हैं, जैसे मैं अब सास के ओहदे पर हूँ तो मैं भी कभी बहू रही होंगी, तो जिस ओहदे पर हम होते हैं उस ओहदे की सीट से बैठकर हम खिड़की में से देखते हैं, तो मेरे लिए मेरा सच अपना सच है, वेदिका का सच अपना सच है, क्योंकि वो उस वक्त बहू की सीट पर है और वो बेसहारा है, बेचारी है, उसका पति उसका साथ देगा तो डेफिनेटली उसका पति उसका साथ देना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा बेटा मेरा साथ देना चाहिए। तो सबकी अपने अपने, यहाँ पर हम सबकी लड़ाई अपने अपने सचों की लड़ाई है और कुछ नहीं। भाई रेखा जी, हम आपके जज्बात समझ सकते हैं, लेकिन साहिल तो अपना पति धर्म निभा रहा है, इसलिए साहिल जब वेदिका को आग से बचाकर बाहर लाया तो वेदिका की हालत देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने मीडिया के सामने ये ऐलान कर दिया कि जो भी तनुज का पता साहिल को देगा वो उसे 20 लाख रुपए का इनाम देगा। किसी को उसके बारे में पता है, मैं उस इंसान को 20 लाख रुपए इनाम दूंगा। 20 लाख, ये साहिल का शब्द है। साहिल, आपने 20 लाख रुपयों का ऐलान तो कर दिया, लेकिन आप तो वेदिका के साथ साथ खुद भी बेघर हो गए हैं। ऐसे में तनुज नाम के इस खतरे का सामना कैसे करेंगे, देखना दिलचस्प होगा। आज तक ब्यूरो।